हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लूज फास्ट। रेनू ठाकुर, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सीजनल फैट कटर ड्रिंक, जो कि आप विंटर्स में ले सकते हैं। और इसको आप चाहें तो इवनिंग में भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको दोपहर में भी ले सकते हैं, यानी कि मिड डे में। बहुत ही अच्छा फैट कटर है और बनकर बहुत ही जल्दी तैयार होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडिंग जार। इसी के साथ हमें चाहिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है एक क्यूक्यूम्बर, यानी कि ये खीरा, जिसको मैंने इस तरीके से गोल कट कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसको छीला नहीं है, मैंने छिलके के साथ ही इसको कट किया है। इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और कुछ करी लीव्स मैंने यहाँ पर ली है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है आधा नींबू, यानी कि हाफ लेमन। इसके बाद हमें चाहिए ब्लेंडिंग जार। ब्लेंडिंग जार में हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक साथ ट्रांसफ़र कर देंगे। नींबू का इस्तेमाल हम यहाँ पर बाद में करेंगे, तो नींबू को भी मैंने यहाँ पर साइड में रख दिया है। इन सभी चीज़ों को एक ही बारी में हम यहाँ पर ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 गिलास पानी। ग्लास से नाप कर आप यहाँ पर पानी डालिएगा। 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। अब हम ब्लेंडिंग जार को यहाँ पर बंद करेंगे, और हमें इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब आप इसको यहाँ पर खोलकर देखेंगे, तो ये देखिए, ये फैट कटर हमारा यहाँ पर बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर फैट कटर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर मग में निकाल लेते हैं। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ, ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और इसी के साथ मैंने इसको पिया है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं और जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि वेट लूज करने में आपको हेल्प करेंगी। बहुत सारे डाइट प्लान्स हैं, बहुत सारे हमारे चैनल पर वेट लूज चैलेंजेस हैं, जो कि आपको वेट लूज करने में बहुत जल्दी आपकी हेल्प करेंगे। हमारा यहाँ पर ग्रीन फैट कटर बनकर तैयार है। इसमें मैं मिला रही हूँ 1/4 टीस्पून से भी कम सेंधा नमक, और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिला रही हूँ। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप यहाँ पर ब्लैक पेपर और नमक इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो इस स्टेप को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें ये मिलाते हैं, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही औसम होता है। इसी के साथ हमने यहाँ पर नींबू लिया था, तो मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। एक खीरा है यहाँ पर, तो एक खीरे के लिए आधा नींबू काफ़ी है। बाकी आप चाहें तो इसमें पूरा नींबू भी मिला सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आधा नींबू जो है वो एनफ है। यहाँ पर हमारा ग्रीन फैट कटर बनकर तैयार है, और ये पीने के लिए एकदम रेडी है। पहले अब हम यहाँ पर 1 स्पून से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। स्पून की हेल्प से हमने यहाँ पर जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं, मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर और इसी के साथ पिंक सॉल्ट इसमें ऐड किया है, तो इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी फैट कटर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। ग्रीन फैट कटर है। आप भी एक बार इस फैट कटर को अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसकी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।